आपको एक बहुत प्यारा ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ हमारे प्यारे मुनव्वर राना साहब की तरफ से कि डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गभे पे रहे होंगे। गभे मतलब पता नहीं क्या, गभे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं यूपी में पूछना। लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। ये ट्वीट 23 मई 2020 का है। इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया, ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ, वो वीडियो हट गई किसी तरीके से मेरे पास से। खैर, तो मैं समझ रहा हूँ कि कोरोना की नाकामी से पता चल गया इनको कि 100 करोड़ जानवर हैं, 35 करोड़ इंसान हैं। तो इस हिसाब से कि साफ साफ इन्होंने डिस्टिंग्विशन कर दिया है कि 100 करोड़ कौन है, 35 करोड़ कौन है। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल बताया जाते हैं आप, और आपने ट्वीट भी पढ़ लिया होगा क्योंकि जब मैं पढ़ा तब चल रहा था। और इससे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 100 करोड़ ने वोट बैंक बनते हुए बीजेपी को वोट किया है। तो मुझे कोई एक बता दे कि भाजपा ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, कांग्रेस, सपा, बसपा, TMC, इन लोगों ने कभी अपीजमेंट नहीं किया, ये भी कहना चाह रहे हैं। खैर, ये तब कहाँ थे जब नेहरू जी ने अपीजमेंट के चक्कर में धारा 370 और 35 से दे दिया था। ये तब कहाँ थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट के चक्कर में हिंदू को एक जगह, मुसलमान को एक जगह रखने वाली बात को मान ली थी, लेकिन तब भी जिन लोगों ने बंटवारे की डिमांड की थी वो लोग यहीं रह गए थे, और जिन्होंने बिल्कुल डिमांड नहीं की थी वो पाकिस्तान में चले गए थे। और ये बात खुद मैंने पाकिस्तानी के एक मुँह से सुनी है, मैं बाद में इस बात पर अच्छे से बात करूँगा तो उनकी क्लिप भी लगा दूँगा, कि जिन्होंने बिल्कुल डिमांड नहीं की थी वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ के लोग वो अभी भी वहाँ हैं, और जिन्होंने डिमांड की थी वो अभी भी यहाँ हैं, उनके वंशज उनके पल रहे हैं और गाली दे रहे हैं, खैर, लेकिन वो भी यहाँ है, और इसीलिए शायद देश फिर से टूटने के कगार पे आ चुका है। तो अपीजमेंट भाजपा करती है। अच्छा, ये तब कहाँ थे जब TMC ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में इतनी बड़ी तादाद में पाल के रखा है, ठीक है, ये तब कहाँ थे जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चक्कर में शाहबानो केस में आप एक बिल ले आते हैं और फैसले को पलट देते हैं। ये तब कहाँ थे जब पूरा मतलब लेफ्ट, कांग्रेस, मुसलमान, ये सब मिलकर CA, NRC, NPR इन सब के विरोध में बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम अपीजमेंट है, भारत के मुसलमानों को टच तक नहीं किया जा रहा, उनको नेगेटिवली हार्म तक नहीं किया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये तब नहीं बोलेंगे, ये मौके पे बोलेंगे। ये तब कहाँ थे जब अखिलेश या मुलायम सिंह की सरकार में 400 करोड़ निकाला गया था कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए, ना कब्रिस्तान में कोई जाना चाहे ना कोई आ सकता है, तो उसकी बाउंड्री के लिए 400 करोड़ रुपए देना कहाँ से जायज़ है? तो ये तब क्यों नहीं बोले? अपीजमेंट की तो हद पार हो रही थी। और जाते जाते एक सवाल, इनका किसी ने पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया? जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल हैं, इन्होंने जिस तरीके से, और कई लोगों ने, अब तो मेरा खून खोल रहा है कि हम लोग बहुत प्यार से डिफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको जेल में भेजो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली सबक सिखाओ चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। जो ये जो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं किसी चीज़ की, लेकिन ये भौंकेंगे क्योंकि हम इनको भौंकने देते हैं। अब कैसे? क्योंकि जो हमारे जो कुछ लेफ्ट के नेता है ना, जो मार्क्सिस्ट, CPI, ये वो सब इनको हड्डी फेंक फेंक के इनको बना के रखा है इन्होंने कुत्ता। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये क्या नाम है इसका, दो कौड़ी का, वैसी की पार्टी वाला कहता है कि 100 करोड़ हैं, हम 15 करोड़ हैं, देख लेंगे वगैरह वगैरह। वैसी का भाई क्या कहता है कि हम 15 करोड़ हैं, दिखा देंगे, एक पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए। फिर इनका भी ये बयान आता है, फिर वहाँ जाके वो सिद्धू जाके कहता है कि तुम इतने हो, एक हो जाओ, मुसलमानों हमारा साथ दे दो। अगर ये लोग इतना कहते हैं तो अपीजमेंट वो नहीं है, वो अपीजमेंट नहीं, ठीक। मोदी 2 बार चुन के आ गया तो अपीजमेंट है, ये लोग जानवर हैं। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ कि अगर यही बयान किसी हिंदू ने दिया होता, किसी भाजपाई ने दिया होता, किसी संघी ने दिया होता, कि अगर ये जानवर होते और बाकी इंसान होते, अगर ये सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट का रिवर्सल हो जाता और किसी हिंदू या किसी संघी या भाजपाई ने दिया होता, तो आतंक मच गया होता, ये NDTV वाला सर पटक पटक के रो रहा होता और हर तरफ ये फैला रहा होता कि कैसे देखो आपके लिए माहौल बनाया जा रहा है, आपके लिए खतरा है, इस चीज़ पर रिएक्ट करिए, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है, पता नहीं क्या क्या बताता। खैर, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ कमेंट में। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मित्र, जय हिंद, वंदे मातरम।